हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। मैं अभय सिंह आप लोगों के बीच लेकर के आ गया हूँ मैथ्स की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नया टॉपिक। हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए करियर इन एक्शन के साथ और मैथ्स को सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसके कुछ अप्रोचेस, कुछ तरीकों को सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज यानी जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अमाउंट है 200 रुपया, मान लीजिए आप किसी से उधार लेते हैं। ठीक है, 200 अमाउंट उधार लेते हैं और मान लीजिए कितने साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लेते हैं, और वो कितने पर उधार देता है, 2% पर एनम, 1 साल का 2% ब्याज पर वो आपको उधार देता है। ठीक है, तो अगर हम 2% को, अगर हम 2% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाते हैं, 2/100 यानी 2/100। ठीक है, 200 रुपए को 2 साल के लिए कितने परसेंट पर, 2%, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/100। अगर इन तीनों को आपस में गुणा कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो 2 साल में जितना ब्याज देना है वो आएगा। और ये एक सिंपल तरीका है, आप इसमें चाहे 2 साल करिए, 4 साल करिए, 5 साल करिए, ठीक है, सिंपल है। और इस सिंपल तरीके से जो इंटरेस्ट निकलती है वो कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। नाम से क्लियर है, साधारण ब्याज। तो इन चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि हम थोड़ा रफ पेज पे आते हैं, हम लोग देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में पहले तो जान जाते हैं कुछ चीजें होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, एक होता है रेट, एक होता है टाइम और एक होता है अमाउंट। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर हम, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो जितना रुपया हम उधार लिए वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए हम कितना रुपया उधार लिया था, 200 रुपया उधार लिया, ठीक है, 200 रुपया उधार लिया, कितने रेट पर, 2% पर एनम, 2% पर एनम, कितने साल के लिए, 2 ईयर। ठीक है, तो जिस परसेंट पर, जिस रेट पर लेते हैं वो रेट यानी दर कहलाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दर। और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो उसको हम बोलते हैं मूलधन, यानी जो मूलधन हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं वो वैल्यू, और जितने समय के लिए देते हैं वो कहलाता है टाइम या समय। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट होता है मूलधन गुड़े दर गुड़े समय और बटा 100। जैसे मैं आपको 200 दिखाया था कि 200 2 साल के लिए 2% के ब्याज पे बटा 100, मूलधन गुड़े दर गुड़े समय और बटा 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया इंटरेस्ट, यानी 2 साल के बाद से हम अमाउंट बताते हैं। अमाउंट क्या होता है, 2 साल के बाद से कितना रुपया जिससे हम उधार लिए उसको वापस करेंगे वो कहलाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा, अमाउंट, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो प्रिंसिपल हमने, प्रिंसिपल वैल्यू हमने उधार लिया वो, और जितना इंटरेस्ट बना उस 2 साल के अंदर वो, ये दोनों मिला करके बनता है अमाउंट, या हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्रधन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया।
अब इसमें कैसे हो जाएगी, अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई विद आर मल्टीप्लाई विद टी अपॉन 100, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू हो गया, पी कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे अमाउंट दिया रहेगा तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अगर अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम दिया तो अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो इंटरेस्ट का फार्मूला ये हो गया, यानी ब्याज निकालने का फार्मूला ये हो गया, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू और ब्याज को जोड़ दीजिए तो अमाउंट आ जाता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बाकी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आपको उसमें और अप्रोच अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को पता है एग्जाम का डेट बहुत जल्दी आ गया है, इसलिए हम बहुत तेजी से चीजों को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सेकंड है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट से अलग कैसे है समझाता हूं। जैसे मान लिया हमने क्या बोला, 200 रुपये हम किसी से उधार लिए थे दो साल के लिए, 200 रुपये उधार लिए थे दो साल के लिए और 2% के रेट पर, लेकिन अब की बार हम जो उधार लिए ना वो साधारण ब्याज नहीं, अब की बार हम उधार लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि मान लो एक साल के लिए 2% के रेट पर ब्याज कितना हो गया, 4 रुपए। तो अगले साल में दो, साधारण ब्याज में क्या था, हर साल में प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट बनता, लेकिन इसमें क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे ना बन करके ब्याज अगले साल में जुड़ जाएगा, और अगली बार में 200 पे नहीं, 200 प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 204, और इस पर इसके नेक्स्ट ईयर में इस पर 2% के रेट से होगा, समझ आया, और इससे जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, और वो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 4 से ज्यादा होगा। यानी इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो हर साल में चेंज होते जाता है, अगले साल में जो इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों जोड़ करके प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, फिर उससे अगले साल में जो इंटरेस्ट आया होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट उस दूसरे साल में है वो, और जो इंटरेस्ट आया वो सब जोड़ करके अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, समझ आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन होता है ना वो हर साल बदलते जाता है, ठीक है, यानी पी से आप समझ रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू, आर से रेट, टी से टाइम और ए से अमाउंट। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, टी कहिए या एन कहिए, ठीक है, आपको मोस्टली फॉर्मूला में एन दिख जाता है, एन वही वही टाइम होता है, ठीक है, कि जितने साल के लिए हम दिए हैं, इस फॉर्मूला पे रख करके हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप इस फॉर्मूला पे रखकर करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ तरीका बताऊंगा और मुझे लगता है कि वो तरीका सफिशियंट पड़ेगा एनटीपीसी जैसे एग्जाम को टैकल करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि अगर बोले कि मान लीजिए 100 रुपया या 1000 रुपया किसी से हमने उधार लिया, ठीक है, 2% के रेट पर दो साल के लिए, तो दो साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ठीक है, तो दो साल के लिए, एक साल पे 2% से कितना होगा, 2% मतलब 2 बटे 100 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 20 रुपए, एक साल के लिए 20 रुपए आ रहा है, फिर अगले साल के लिए भी 20 रुपए, लेकिन अगले साल में इस पर तो लगेगा ही, लेकिन
इस पर भी लगेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, कैसे सॉल्व कर लेंगे, 20 गुणे 2 बटे 100, 2 बचे 2 5 0.4, ठीक है। यानी तो अब इसमें इंटरेस्ट पूछा, इंटरेस्ट क्या है, तो ये सब जो है ना वैल्यू, ये सब इंटरेस्ट है, ये इतना है ना, ये इंटरेस्ट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट ये जो वैल्यू है, ये सिर्फ इतना वाला, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये भी जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज से अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो इतनी इतना इंटरेस्ट आएगा, और सिंपल तरीके से करें तो सिर्फ 40 आंसर आएगा। मैं और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो 400 रुपया है अमाउंट, ठीक है, 400 रुपया है, 5% के रेट से 2 साल में, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, फ्रैक्शन वैल्यू इसका कहता होता है ना। 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, पहले से 2 साल तीर बना लेंगे, इसको 1/20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 रुपए, इसको भी 1/20 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 रुपए, और इस पर भी, क्योंकि तो अगले साल में सिर्फ इससे थोड़ी ना, ये भी इंटरेस्ट भी तो है, ये पहले साल का इंटरेस्ट भी तो है, पहले साल के इंटरेस्ट पे भी तो लगेगा, इस पे भी 1/20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो टोटल 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 20, 40 और 1, 41, यानी 20 प्लस 20 प्लस 1, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2 साल का, 41। समझ आया, समझ आया बच्चों। अब हम बात करते हैं अगर 3 साल का आ जाए तो कैसे करेंगे, 3 साल का बताते हैं। जैसे मान लो 1,000 रुपया है, ये हमने किसी से उधार लिया 3 साल के लिए 10% के रेट से, कितने परसेंट के रेट से, 10% के रेट से, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, ठीक है। अब की बार हम 3 लाइन बनाएंगे, तो पहले साल में कितना, 100, इस साल में कितना, दूसरे साल में, इसमें भी 100, लेकिन इस पे इसके अकॉर्डिंग 100 तो होगा, लेकिन इस पे भी तो लगेगा, तो इस पे लगेगा कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, ये एरो हटा देते हैं, आप समझ जाओ, ठीक है, 10 हो गए, और इस 1000 पे 1/10 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 100। लेकिन अब तीसरे साल में हमारा ये भी इंटरेस्ट आ चुका है, ये भी आ चुका है, और ये भी आ जाएगा, इन तीनों पर लगेगा, तो इस पर लगेगा, इस वाले पर, तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, इस पर लगेगा अगर 10% के हिसाब से तो भी 10 हो जाएगा, और इस पर लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो अब ये जितना वैल्यू आया ना, इन सब को जोड़ देंगे, ये जितनी वैल्यू आई इन सब को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 1, यानी 331, इतना हो गया 1000 रुपीज पर 3 ईयर के लिए 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आया, और इससे क्वेश्चन भरोसा करिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पर मैं अगर फॉर्मूले से करूं, तो फॉर्मूले पे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 1000, 1000, रेट कितना है, 10%, टाइम कितना है, 3 ईयर, फार्मूला कितना था, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 पावर T, यानी पी कितना है, 1000, 1 प्लस R की वैल्यू कितना है, 10, 100, और T की वैल्यू कितना है, 3। सॉल्व करेंगे, 1000 ये 0 से 0 कैंसिल आउट,
इलेवन अपॉन टेन, इलेवन अपॉन टेन, इलेवन अपॉन टेन, 10, 20, 30, 30, और इसको 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम बताए थे ना कि अमाउंट की वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है, यहाँ पे इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 1331, और प्रिंसिपल कितना था? 1000। तो वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका, ये हो गया बेसिक तरीका, और ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है ना, शॉर्ट ट्रिक जब क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं तो इन पे काम करता है। ठीक है, और एक चीज और है, एक कॉन्सेप्ट और समझाएंगे। जैसे मान लो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू कुछ और दे रखी है या अमाउंट कुछ और दे रखा है, आपके पास इंटरेस्ट है और आपको इस तरह से सेट करना है। तो जैसे मान लो दे रखा है 5% पर, ठीक है, इंटरेस्ट 5% दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। और अगर टाइम जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर दे रखा है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना होता है? 400। और 400 मान लेंगे हम खुद से कि प्रिंसिपल वैल्यू है और 400 पे सॉल्व कर देंगे, देखो कितना इजी हो जाएगा, 20, 20 और 1 कितना आ गया, 41 आ गया। अब मान लो ये है, एक्चुअली ये 2000 था, ठीक है, पर 2000 चलो कैलकुलेटिव होता तो 4000 को कितना था? 2000 था, कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 5 से। तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 205। अगर 400 पे इंटरेस्ट 41 था तो 2000 पे 205 हो जाएगा। समझ आया? इसको इस तरह से भी करके करेंगे, अभी अब क्वेश्चंस पे आएंगे ना तो इजीली समझ में आएगा। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 48,750 एट 60% पर एनम फॉर 73 डेज ऑफ ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब कितना होता है? 365 डेज। कह रहा है 73 डेज का। चलो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है पहले क्वेश्चन में लिख ही देते हैं, 48750। रेट कितना है? 16%। टाइम कितना है? ईयर में कर लेते हैं, ईयर में 73/365 कितना हो जाएगा? 1/5 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा? P मल्टीप्लाई विथ R मल्टीप्लाई विथ T अपॉन 100। फॉर्मूला बताए थे, सीधा फॉर्मूला पे रख देंगे, 48750 मल्टीप्लाई विथ 16 मल्टीप्लाई विथ टाइम कितना हो गया? 1/5 अपॉन 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, फाइव फाइव 9 जा 45, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 2 8 जा 16, और 8 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 9 जा 72, 4 76, 7 8 1 जा 8 और 7 15, 1560 आंसर आएगा। ऑप्शन नहीं सही है, 1560 आंसर। ठीक है, देखो नीचे दे रखा है 1560, ऑप्शन की वजह से दोबारा देखना पड़ा, पर ऑप्शन इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो जाता है इसको। 1560 देखो, दोनों 1500 1500 नहीं होगा, ये किसी को 1560 कर लो। चलो इसको ही कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 540। 540 6% पर एनम मल्टीप्लाई बाई 6, टाइम कितना है? 3:1/2, तो कितना हो जाएगा? 7/2 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 81 मल्टीप्लाई 73 81 मल्टीप्लाई बाई 7/5
5 67 upon 5 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
आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, सिंपल सिंपल बस फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूला पे रखा आंसर। कह रहा व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 6,250 फॉर थ्री इयर्स, इंटरेस्ट एक्योर्स एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ये तो एकदम आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इसको सॉल्व करो आंसर। सिक्स फाइव जा 30, जीरो थ्री सिक्स सेवन जा 42, थ्री 45, फोर सिक्स थ्री जा 18 और फोर 22 आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, रानी बोरोड उधार लेती है एन अमाउंट, कोई अमाउंट 2 लाख फ्रॉम द बैंक, 2 लाख रुपए उधार लेती है किसी बैंक से और स्टार्ट करती है बिजनेस। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल पे एट द रेट ऑफ 7%, 7% के रेट से 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 7 2 14, 14 2 28 आंसर। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर फाइव, कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, ए सम व्हेन इन्वेस्टेड, कोई पैसा है जो इन्वेस्ट किया गया 12:1/2 यानी 12.5% पे, 12.5 का मतलब होता है 1/8, है ना। चलो छोड़ो, तुम लोग समझदार हो ही। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 8,250 आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद से अमाउंट कितना हो गया 8,250। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, देखो अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, बताया था, पी मल्टीप्लाई विद आर मल्टीप्लाई विद टी अपॉन 100 अमाउंट। तो यानी हम एक आपको फार्मूला सीधा बताए थे क्या, कि ए इज इक्वल टू, यानी अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + RT अपॉन 100 बताया था ना। तो यहां पे सीधा इसे वैल्यू रखेंगे, अमाउंट कितना दे रखा है 8,250 इज इक्वल टू पी निकालना है 1 + RT, आर की वैल्यू दे रखी है 25/2 और टी की वैल्यू दे रखी है 2 ईयर अपॉन 100, 2 से 2 कैंसिल आउट, 25 4 100 और ये हो जाएगा 8,250 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई विथ 4 1 4 और 1 5 5/4, 5 से 5 1 5, रुक जाओ सीधा यहां करके बता देते हैं, यहां से पी की वैल्यू हो जाएगी 8,250 मल्टीप्लाई विथ 4/5, 5 5 6 30 2 5 5 20 4 0 0 4 5 20 0 2 carry 4 6 24 2 carry 4 1 4 2 6 6 6 double 0 6 6 double 0। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट कितना था 8,250 6 6 double 0 0 5 1 6 5 0 कितना आया 1 6 5 0 यानी 1,650। समझ आया, जस्ट इस फॉर्मूले पे रखा इस वाले पे और यहां से हमको क्या मिल गया, प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई ये, और प्रिंसिपल वैल्यू को अमाउंट से माइनस कर दिया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 पर सिंपल इंटरेस्ट 8.25 के रेट से 7 फेब 2022 to 20 अप्रैल 2022। ठीक है, देखो
लीप ईयर है ना, लीप ईयर है तो फरवरी 29 डेज का होगा, बट अगर लीप ईयर नहीं है तो फेब जो है 28 डेज का होगा, क्योंकि 2022 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, ये नहीं होगा इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो कितना होगा, 28 डे का होगा है ना, तो ये 22 डेज फेब में, और मार्च में 31 डेज एंड अप्रैल में 20 डेज। देखो कितना हो गया टोटल, 73 डेज। इसको ईयर बदल दें, 73/365 ईयर कितना हो गया, 1/5 ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 2000, इंटरेस्ट रेट कितना है, 8.25, और ये हो गया 1/5। समझ गए, देखो 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया इस डेसिमल को हटाने में, 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया ये जीरो से, 2 4 जा 2 5 जा 10, 5 से 5 1 जा 5, और 3 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 कितना आया, 33, 33। ठीक है, इतने दिन के लिए यानी 73 डेज के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा, 33 रुपीज ओनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट, अब की बार कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, ऑन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 6305, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रहा है वो 6305, 6305 कह रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ ईयर, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम, 5% मतलब 5% को रखेंगे 1/20। ठीक है, समझ आया, और चूंकि 3 साल के लिए बोला है तो हम 20 को 20, 20 और 20 कितना हो गया 8000, हम मान लिए कितना है 8000 है, अपने से मान लिए, हमको नहीं पता है प्रिंसिपल, हम सीधा है प्रिंसिपल वैल्यू 8000 मान लिए, और 3 साल का तरीका बताए थे कैसा, 1 2 3, तो 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 400, और उसके बाद फिर 400, फिर 400, और उसके बाद यहां पे कितना होगा 20, यहां पे 20 इसका, और यहां पे भी 20, और इसके लिए 1। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 1261, ट्वेल्व सिक्सटी वन, 1261 नहीं है ये, इसकी वैल्यू दे रखी है 6305, यानी कितने का मल्टीपल बैठा होगा 5। ठीक है, फिर पूछ रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस फॉर द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ ईयर, यानी अच्छा सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए तुम लोग को बताया था क्या कि सिर्फ जो पहला रो लाइन होता है ना यही सिंपल इंटरेस्ट होता है, बाकी ये तो कंपाउंड कंपाउंड हो रहा है ना, इस वजह से ये आ रहा है वैल्यू, तो यानी कितना है ये 1200, तो 1200 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 6000 6000 आंसर। देखो 6000 यहां पे है ना, ये देखो इसको किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ, बेसिक फार्मूला से देख लो कितना जा रहा है, परेशान हो जाओगे, फिर से समझा देता हूं, ये करोगे ना तो और जल्दी होगा। हम 5% था ना, 5% के अकॉर्डिंग मान लिए 20 20 20, और 8000 हो गया, और 8000 जो था उसको हम
वन अपॉइंट ट्वेंटी के वन अपॉइंट ट्वेंटी और वन अपॉइंट ट्वेंटी के हिसाब से कैलकुलेट कर लिए, आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 1261। चूंकि 1261 आधे करके 6305 दिया है तो इस कितने मल्टीप्लाई मल्टीपल पर है, 5 के। तो सिंपल इंटरेस्ट 1200 है, वो भी कितने के होगा, 5 पे, यानी वैल्यू कितना आ गया, 6000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 75000 एट द रेट ऑफ 2:5/3% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 75000 फाइव ईयर के लिए 11/3, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया और 250 मल्टीप्लाई कर दो 125011 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 1375 0 1375 0। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ 1250 जो अमाउंट है वो 50-50 यानी 1250 जो है 1550 हो जा रहा है 4 साल में। कह रहा व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो 1250 4 साल में, रेट नहीं पता कितना हो जा रहा है 1550 यानी इंटरेस्ट कितना मिला 300 ही मिला ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना इंटरेस्ट मिला था 300। सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 25 जा 125, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 12 जा 60, 2 6 जा 12, कितना परसेंट आ गया 6%। समझ आया? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर्टेन अमाउंट बिकम 230 इन 3 इयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कुछ अमाउंट है जो कि 230 हो जाता है, कितना हो जाता है 230 होता है कितने साल में, 3 साल में, 3 ईयर में। देखो प्रिंसिपल कुछ होगा हमको नहीं पता, 3 ईयर में 5% के रेट से कितना हो गया 230 हो गया, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके कितना हो गया 230 हो गया। वन प्लस थ्री अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू 20, पी मल्टीप्लाई विद 23 अपॉन 20 इज इक्वल टू 230, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया 200। ठीक है, 21 जा 20 प्लस 3 23 अपॉन 20, सॉल्व करेंगे आगे 200 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट 12164 इन 2 इयर्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। देखो 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको हम 10 का स्क्वायर यानी 100 मान लेंगे, 100। 2 साल के लिए ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, कैसे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही हो जाएगा और इस पर भी लगेगा तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना इंटरेस्ट आया कंपाउंड 21। पर ये 21 नहीं कह रहा है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड कह रहा है टोटल जो बनेगा ना वो अमाउंट जो है 100 रुपीज इधर इंटरेस्ट 21 तो कितना हो गया 121। पर ये 121 नहीं है, ये है 10164 है। तो पूछ रहा है कि कितना इन्वेस्ट किए, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है 1164/121 मल्टीप्लाई विद 100, यही पूछ रहा है। फिर से देखो, हम खुद से मान ली 100,
आ गया इंटरेस्ट, आ गया 21, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 121। 121 की वैल्यू दे रखी है इतना, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना अपॉन 121 मल्टीप्लाई विद 100। 11 11 जा 121, 11 जा 9 जा 99, और 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 4 11 4 जा 44, तो कितना आ गया 8400 आंसर। 8400 बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। गुड, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मनीष डिपॉजिटेड, मनीष जो है वो डिपॉजिट करता है सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली ये जोड़ा जा रहा है, और एट द एंड ऑफ थ्री ईयर मनीष रिसीव्ड ए टोटल अमाउंट ऑफ 92,610। व्हाट वाज द सम ऑफ मनी डिपॉजिट बाय मनीष। मनीष कह रहा है कुछ बैंक में डिपॉजिट करता है 5% के रेट से, और जो कि कंपाउंडेड एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से वो कैलकुलेट किया जा रहा है, और उसको आफ्टर थ्री ईयर 3 साल के बाद से 92,610 रुपीज मिलते हैं, तो उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था हमको नहीं पता। हम 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 20, 3 साल के लिए कर देंगे 20 का क्यूब यानी 8000, हम खुद से मान लिए कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा 400 400 400, क्योंकि 1/20 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सब ऐसे ही आएंगे, सिखाया था। ये हो जाएगा 420, ये भी हो जाएगा 20, इसका भी हो जाएगा 20, और इसके लिए भी हो जाएगा 1, तो टोटल हो गया कितना 1261। मनीष रिसीव कितना करता है 92610, ये तो इंटरेस्ट हुआ ना, ये तो इंटरेस्ट हुआ, और ये अमाउंट तो कितना हो गया, हम इसको ऐड कर दे रहे हैं तो 9261, पर ये 92610 है, 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, पूछ रहा कितना इन्वेस्ट किया है, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर 80,000 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वेल 10,000 फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 5 पैसा पर रुपी पर मंथ, यानी ये कह रहा है 5% पर मंथ, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000 कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और 5% पर मंथ है, पर मंथ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई विद 5/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 5 जो 30, 31 जो 30 और 00, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 330 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज, कह रहा है 4% पर एनम, यानी कि 4% पर एनम की बात क्या कर रहे हैं, 4% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा 1/25, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 225 का स्क्वायर कितना होता है 625, कंपाउंडेड अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, ये 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25, अब नेक्स्ट ईयर में इस पे भी लगेगा ना, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। कह रहा है टोटल वर्थ जो है 338 है, इसके हिसाब से कितना होगा 625 प्लस ये 51 इंटरेस्ट कितना हुआ 676 जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखा 338, ठीक है। तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 51, तो 51 की वैल्यू कितनी होगी, तो 338 अपॉन 676 मल्टीप्लाई विद 51, सॉल्व कर देंगे, इतना ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, इतना सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, अब देखो 338
कितना हो जाएगा? अच्छा पूछा है प्रेजेंट वर्थ पूछा है, 51 की वैल्यू नहीं पूछी है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 625 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ इतना, जब जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू से किया गया, तो प्रेजेंट वर्थ पूछा गया है यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है, यानी 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 338 टू जा 676, देखो 28 जा 16, 6 टू 3 जा 6 7, टू 3 जा 6, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 3 12.5, 3 12.5, ठीक है। ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, 20% पर एनम मतलब हो गया। अच्छा देखते हैं और आगे कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर ये 20% पर एनम है, एक साल का 20%, तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। देन इन 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स का मतलब हो गया 1.5 ईयर। 1/5 ईयर कब, जब एनुअली कंपाउंड किया जाएगा तब, लेकिन अगर इसको हाफ ईयरली कर दिया जाएगा तब कितना हो जाएगा, तो एक साल में तो दो हाफ ईयर होते हैं, और आधे साल में एक हाफ ईयर, यानी कितने हो जाएंगे हाफ ईयर, 3/2 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन, 1/10, यानी हमको अब 10% पे 3 साल के लिए समझ लो कैलकुलेट करना है, तो 10% का 1/10 क्यूब कर देंगे, 1000 हो जाएगा। 3 साल के लिए कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हम मान लिए ये 1000, हमको नहीं पता कितना है, हम मान लिए, ठीक है। कैसे मान लिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, हम कैसे समझ पाए 1000 ही होगा, क्योंकि 3 साल के लिए है और ये 1/10 है, इसको क्यूब कर दिए 3 साल का, 2 साल का होता सिर्फ स्क्वायर करते। अब देखो 1000 का 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, यहां भी कितना होगा 100 होगा, यहां भी कितना होगा 100 होगा, अगर यहां 100 होगा दूसरे साल में इस पर भी लगेगा तो यहां पर कितना होगा, 10 होगा। अब तीसरे साल में देखो इस पर तो लगेगा ही, इस पर भी लगेगा 10, इस पर भी लगेगा 10 और इस पर भी लगेगा 1, ठीक है, समझ आया। ये हो गया इतना सब जो वैल्यू है, ये है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल वैल्यू 1000 होता तो, पर कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू 1000 नहीं है, कितना है 4000 है, यानी इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। तो पूछा है अमाउंट, तो ये अमाउंट कितना हो गया 1000, तो समझ लो ये था, और 100 100 100 300, ये हो गया 10 10 10, 30 और 1, ये तो इसका भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 4, 5 1 जा 4, 5 3 जा 12, 2 1 कैरी, 5 3 जा 12 और 1 13 एंड 5 5 3 2 4, 5 3 2 4, आंसर समझ आया, गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मनोज जो है वो इन्वेस्ट करता है 15,000 इन अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर 3 ईयर, 15,000 रुपया इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए एट 5% पर एनम, 5 रुपये, 5% पर एनम, यानी एनुअली इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपये जो कि कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट अमाउंट विल मनोज गेट ऑन मेच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट, देखो 3 साल के लिए 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20, 20 को 3 साल में करेंगे कितना हो जाएगा 8,000, 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, ये भी हो जाएगा 4, इस पर ये लगेगा तो कितना हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 4, इसके पर लगेगा तो 20, इस पर लगेगा 20 और इस पर लगेगा तो 1, ठीक है। फिर पूछा है व्हाट अमाउंट विल मनोज गेट, अब ये इन्वेस्ट कर रहा है 15,000,
तो 8,000 किसके बराबर है? 15,000 के बराबर है। अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? 8,000 और ये 1261 ऐड करेंगे 9261, ये किसके बराबर होगा? सॉल्व कर लेते हैं। 9261 सॉल्व करो, 30 से 30 कैंसिल आउट और 15 कैरी, 15 6 91 91 1 9 कैरी, 15 2 30 और 9 39 3 कैरी, 15 15 9 135 और 3 138 अपॉन 8 सॉल्व कर दो। 8 1 8 5, 8 7 56 2, 8 3 24 5, 8 6 41 8 6 48 3 8 4 32 17364। ये देखो यहाँ पे आंसर, आगे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? मिस्टर एसवंत इन्वेस्टेड मनी इन फिक्स डिपॉजिट, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी इफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी 20% अगर एनुअली कम इंटरेस्ट रेट है, पर एनम है, पर इसको अगर क्वार्टरली कंपाउंड किया जाए तो अगर एक साल का 20% तो क्वार्टरली एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। कितने महीने का क्वार्टर होगा? 3 ही 3 4 मतलब क्वार्टर मतलब कितना? 3 3 महीने का, यानी कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, है ना? 3 3 3 4 12 3 महीने का और 3 महीने का, है ना? कह रहा 6 मंथ के लिए, तो कितने 2 हो जाएंगे, 3 मंथ और 3 मंथ 2, यानी टाइम समझ लो 2 है। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, 5% को फ्रैक्शन बदलेंगे 1/20 हो जाएगा, और चूंकि टाइम 2 है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर 400, 20 20 और 1। ठीक है, इन्वेस्ट 10,000, तो 4,000 के 400 किसके बराबर है? 10,000 के 400 बराबर है 10,000 के। ठीक है, तो पूछ रहा है 441 यानी 20 20 40 और 41 441 ये किसके बराबर होगा? इसको सॉल्व करोगे तो 25 के मल्टीपल पे है, तो ये भी 25 के मल्टीपल पे होगा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। 25 5 2 carry 25 4 100 or 2 100 2 10 carry 25 4 100 or 10 110 आंसर 11025 समझे? गुड। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ 25,000 कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 4% 5% एंड 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर। यानी कह रहा है कि 25,000 मान लो इन्वेस्ट है, 25,000 इन्वेस्ट है, एक साल के लिए 4% के रेट से, दूसरे साल के लिए 5% के रेट से एंड तीसरे साल के लिए 6% के रेट से। ठीक है, देखो 4% के रेट से मतलब 4/100 00 से 00 कैंसिल आउट कितना हो गया? 250 × 4 कितना हुआ? 5% के रेट से 5/100 से मल्टीप्लाई हुआ, 00 कैंसिल आउट 1250 सॉरी इसमें एक जीरो गायब कर दें, इतना नहीं आएगा। ठीक है, 1250 और ये कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, ये पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, लेकिन दूसरे साल पर इस पर भी लगेगा ना, तो इस पर दूसरे साल पर किस रेट से लगेगा? 5% के रेट से, यानी 50 रुपीज।
तीसरे साल में इस पर लगेगा, इस पर किस रेट से, 6% के रेट से, तो कितना हो जाएगा? अरे 1250 मल्टीप्लाई विथ 6/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, 525 125 75 हो जाएगा। और इस पर भी लगेगा 6% के रेट से, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इस पर भी लगेगा 6% के रेट से, कितना हो जाएगा, 3 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट, इसको ऐड कर दो सब, 1000 1250 1500 50 75 60 और 3, सबको ऐड कर दो आंसर 8 5 5 10 17 23 3 2 4 4 2 6 5 7 5 5 10 17 17 और 6 23 3 2 carry 5 2 7 7 और 2 9, 7 और 2 9 9 3 8, यही आंसर। ठीक है, अब ऐड वेट जल्दी जल्दी कर लेना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इस तरह से करने पर ना वो तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा तुमको कैलकुलेटिव लगेगा और तुमको फिर दिक्कत होगी, और इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा ना तो इजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 इन 2 ईयर्स एट 8% पर एनम। लो, 8% का मतलब कितना हो गया, हम इसको मान लें फ्रैक्शन में 4/50। चलो वैसे ही करते हैं फिर से, 2 साल के लिए, अगर 2 ईयर के लिए करते इस पे भी करें या फिर सीधा इसी पे करें तो भी आ जाएगा। चलो इसी पे ही कर देते हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा भाई, इसी तो दोनों पे है। 4/50 4/50 ये हो जाएगा 1600। कैसे, 5 4 20 4000 400 और 4 4 1600, ये भी 1600, और 1600 पर ये लगेगा तो कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई विथ 4 4 2 8 4 3 12, कितना आंसर आएगा, 32 and 128, 8 2 3 3 3 3 2 8, आंसर। इस पर भी करेंगे मान करके ना तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू आज इजी था इसलिए मैं सीधा कर दिया। कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू इजी नहीं होता ना तो कैलकुलेशन कठिन हो जाता है, तो इसलिए मान करके करने में आसान होता है, बाद में सीधा उसको उस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद भी बेसिक तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। कह रहा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 12,000 एट 16% पर एनम फॉर 3 मंथ्स क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 3 3 3, यानी यहाँ 3 मंथ्स के लिए कह रहा है, मतलब टाइम हो जाएगा 1, समझ लीजिए 1 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 16% पर एनम, यानी इसको एक क्वार्टर के लिए कितना, 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4%, और 4% की वैल्यू कितनी होती है, 120/25। ठीक है, अब कह रहा है 12,000 के लिए टाइम यूनिट वह 1 यूनिट, यानी सीधा सिर्फ इसके 1 यूनिट टाइम 1, कितना रेट, 4% 4/100, सीधा यहां सॉल्व कर दो, 12 4 1 4 480 आंसर। इसमें कंपाउंडेड होगा ही नहीं ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड 1 हो जा रहा है, 1 साल के लिए कैसा कंपाउंड, जो इंटरेस्ट आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही आएगा। ठीक है, तो 480 आंसर, सिर्फ क्वेश्चन को फंसाने की कोशिश किया है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 3783, देन व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम ऑफ मनी फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए 5% पर एनम, 5% पर एनम की वैल्यू क्या होती है, 1/20, 3 साल की बात कर रहा है तो 3 साल में क्यूब करेंगे यानी 8000,
400, 400, 400, 20, 20, 21। ठीक है, कह रहा है कितना इन्वेस्ट किया, 12, इंटरेस्ट कितना है 1261, 1261 क्या कह रहा है, 3783 के बराबर है, 3783 के बराबर है। ठीक है, ये तो 3 के मल्टीपल पे है, 3 1 3 3 6 18, 3 के मल्टीपल है। मैं कैसे सोच पाता हूँ, क्योंकि मैं देखो ये 3 है ना, तो 3 1 3, कोशिश कर लेते हैं कि ऐसा हार है कि नहीं, आ गया, इसलिए क्वेश्चन सेट ही ऐसे होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ पहली लाइन होती है, मैं बताया था सिंपल इंटरेस्ट का कितना, कौन सा लाइन होता है, पहली लाइन होता है, यानी 1200 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1200 कितने मल्टीपल पे होगा, ये भी 6000, 3600, 3600, 12 3 36, 3600 आंसर। समझे, आसान है। अब इसी को देखो कैलकुलेशन पे करने जाओ, ये देखो पी मानो क्यू करो, पूरा बवाल। ठीक है, फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए लोन इंक्रीज 3 times इन 6 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू टाइम इंक्रीज एट 8 times। देखो ध्यान से देखना, कह रहा है कोई लोन जो है ना 3 गुना हो जाता है 6 ईयर में, 6 ईयर में कितना गुना हो जा रहा है, जैसे मान लो 1 था, वो कितना हो गया 3 गुना, यानी 3 हो गया, कितने ईयर में, 6 ईयर में। ठीक है, फिर कह रहा है इट बिकम्स इंक्रीज 8 times एट सिंपल इंटरेस्ट, देखो इसमें कितना इंटरेस्ट आया, 2, तो हर साल 2 ही 2 ही आएगा, इसमें कितना होकर जाएगा 5, यानी 6 ईयर और लगेगा तो 5 हो जाएगा, फिर 2, तो यानी फिर 6 ईयर लगेगा तो 7 हो जाएगा, आपकी बार 1 ही बढ़ाना है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि हमको 8 ही पहुंचाना है, 8 times, पहले 1 था इसका 8 time मतलब 8, लेकिन आपकी 1 है, 1 इंटरेस्ट, अगर 2 इंटरेस्ट बढ़ रहा है 6 ईयर में, तो 1 इंटरेस्ट बढ़ेगा कितने, 3 ईयर में। समझ आया, तो कितना टाइम लगा, 6 6 6 18 और 3 कितना 21 ईयर। समझे, समझे कि नहीं समझे, 21 ईयर। ठीक, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल एन अमाउंट डबल एनुअली इफ इन्वेस्टेड एट सिंपल एनुअल रेट ऑफ 12.5%। कह रहा है 12.5%, यानी 12%, 12.5% के वैल्यू होती है 1/8, ये हम परसेंटेज बढ़ाते वक्त बताए थे। ठीक है, कह रहा कोई प्रिंसिपल अमाउंट मान लो पी है, वो डबल हो जाता है, मतलब उसका इंटरेस्ट पी आता होगा तभी ना अमाउंट डबल होगा, जैसे मान लो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगर पी आएगा तभी ना पी प्लस पी मिलकर के 2p हो जाएगा, अमाउंट 2p होगा, प्रिंसिपल का डबल है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी पी आना चाहिए, तो पी गुड़े आर गुड़े टी अपान 100, ये इंटरेस्ट होता है, इसकी वैल्यू कितना आएगा, पी आएगा, पी गुड़े आर अपान 100 मतलब कितना है 1/8, 1/8, और टाइम कितना दिया हुआ है, हाउ मच टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पी है, पी से पी कैंसिल आउट, ये तिरछा गुणा जाएगा तो टी की वैल्यू कितना आ गया, 8 ईयर। समझे, तो इस 12.5% की वैल्यू 1/8 होता है, ये आपको पता है तो तुरंत इसी करने, तो फिर 12.5/100 सॉल्व करोगे उसमें भी 80 आएगा, टाइम लगेगा बस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है राम लेंड 6000 टू शिवा फॉर 3 years एंड 8000 टू कृष्णा फॉर 5 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखो 6000 कितने में, 3 ईयर, रेट नहीं पता अपॉन 100, प्लस 8000 कितने में, तो कह रहा राम ना उधार देता है 6000 शिवा को 3 साल के लिए और 8000 उधार देता है कृष्णा को 5 साल के लिए, सेम सिंपल इंटरेस्ट, यानी आर जो होगा ना सेम होगा,
ही गॉट टोटल इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देंगे ना तो आएगा 5220 फ्रॉम बोथ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर को फाइंड करना है। 8000 कितने में दिया, 5 साल के लिए सेम इंटरेस्ट रेट अपॉन 100, और दोनों को जोड़ने पर कितना आया 5220। आर को जो कॉमन ले सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ भी 00 से 00 कैंसिल, 63 जा 180 और 85 जा 400 अपॉन 520, कितना हो जाएगा 580 आर इज इक्वल टू 520। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5220 अपॉन 580, 0 से 0 कैंसिल आउट, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे कितना जाएगा 9 5 जा 45 9 58 9 जा 9 8 जा 72 2 7 3 9 5 जा 45 और 7 52। ठीक है, 9% कितना आ गया 9%, समझ में आया 9% कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन व्हाट टाइम विल सम ऑफ 6400 अमाउंट टू 7168 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। यार 6400 6% सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम में नहीं पता, अपॉन 100 हो जाता है, इंटरेस्ट कितना बनता है 8 6 7 7 6 8। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 2 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48 64 2 जा 128। एनी टाइम कितना आया, ठीक है समझ आया। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 25 क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी समझने में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ना ध्यान रखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।